माय गॉड, मेरी टी शर्ट गीली कर दी रहा भाई है तूने, देख रहा है? और अब ऐसे गौर गौर से मेरे को घूर घूर के देख रहा है। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय न्यू ब्लॉग। आपका मेरे नए ब्लॉग में स्वागत है दिल से। और अभी हम बैठे हुए हैं और ये सो रहे हैं सोनू, और हमारा छोटू सा बाबू भी सो रहा है। तो मैंने सोचा ब्लॉग शूट कर लेती हूँ। इतने कम कम ब्लॉग बना रहे हैं गाइस, क्योंकि टाइम नहीं मिलता है। बाबू बहुत परेशान करता है और यहाँ पर बस नानी अकेली है, तो फिर हम वो भी कितना संभालेंगे, इसलिए थोड़ा बहुत मैनेज कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा परेशान करता है, फ़ोन चलाने का टाइम ही नहीं देता है, छू नहीं सकती फ़ोन में गाइस, सीरियसली। और अभी भी देखो वो उठ गया है। बाबू बाबू, अभी बस सो के उठ गया है। अब उसका मुंह साफ करना है, उसकी आँख में कीचड़ कीचड़ हो रहा है, क्योंकि गाइस उसकी आँख में ना गंदगी रहती है ना, जो बच्चों की वो निकल रही है, तो कीचड़ वगैरह निकल रहा है। तभी उसको मुझे साफ करना है। अभी नहलाऊंगी बाबू को, रेडी वगैरह करेंगे अभी आधे घंटे से। अभी उठ जाए, उसकी पूरी नींद हो जाए, फिर करेंगे गाइस। और ये भी सो ही रहा है, नहीं उठ रहा है। अभी उनका भी टाइम हो रहा है, ये भी जाएंगे, फिर बस बढ़िया फ्री होकर फिर बाबू की मालिश वगैरह करूँगी। और नानी ही करती है, क्योंकि मुझे तो आता नहीं है गाइस। और बहुत रोता है बाबू, तो फिर नानी धीरे धीरे करती है बढ़िया तरीके से। है जग गए तो गाइस, जग गया हमारा बोल दूसरा लड़का। अले 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 बाबू, गुड्डी गुड्डी मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग बेबी, गुड मॉर्निंग बेबी। गाइस वो उठ गया है, उठने का इंतजार था, उठ भी जाएगा बाबू हमारा। बोला बाबू मुझे कहीं ले लो, कहीं लेना है, गोदी लेना है, गोदी। पापा से बोलो पापा गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग बोले पापा। गाइस उठ गया है, अब परेशान होने की घड़ी आ चुकी है मेरी। अब मैं होंगी परेशान, मैं नानी को देख लेती हूँ नानी क्या बना रही हैं। बेसन, बेसन बन गया नानी, बेसन बन चुका है। अब रोटी बनेगी और इनके लिए एक भुर्जी बनेगी। ये रखे हैं अंडे, नहीं है यार कहाँ बन जाती। बढ़िया, लो लो। क्या दे रहा है? गाय के लिए? अच्छा, दद्दा के लिए। वो मुझे लगा कि नानी गाय को दे रही है दाल चावल रात के, पर मुझे क्या लगा नाना जी को दे रही गरम करके। बाबू रोने भी लगा है, रोने लगा वो ना, देख लेते हैं। रो रहा है क्या? अरे बाबू रोने भी लगा है गाय, तू रो रहा है? क्यों रो रहा है? गाइस वो रोने लगा है, उसको बुक्की बुक्की लगी है बाबू को, बुक्की बुक्की लगी है बाबू को, छोटे से बाबू को, छोटा बाबू, छोटा बाबू। हेलो गाइस, वेरी गुड मॉर्निंग। तो अभी हम कंटिन्यू कर रहे हैं ब्लॉग बाबू के साथ। अभी रूपाली गई है मेरे लिए कुछ खाना पीना बनाने के लिए, और ये भाई साहब तो देखिए इनकी हरकत है, आप देख सकते हैं। अभी कपड़े चेंज करे हैं मैंने, इसके थोड़े से गीले हो गए थे। हाँ ओ देख रहे गाइस कैसा, तो बिल्कुल एकदम हंस रहा है यार। अभी मैं भी थोड़ा सा लेट हो रहा हूँ, क्योंकि मेरे को भी जाना टाइम हो चुका है, पर लेकिन क्या करूँगा, वो रूपाली अभी गई है खाना बनाने के लिए, और अभी अभी ये थोड़ी सी मस्ती कर रहा है, तो अभी इसको थोड़ा सा मैं लेकर बैठा हुआ हूँ, तो थक गई है, थोड़ा सा रोए नहीं, अब थोड़ी रोएगा। अब उसका वीडियो बन रहा है ना, इसलिए नहीं रो रहा वो। अब वो रोएगा तो सब लोग देखेंगे और बोलेंगे वो गंदा बच्चा। वो समझदार बच्चा है जो बहुत समझदार। अरे अभी तो रो रहा था, अभी देखो मैं वीडियो बनाने लगा तो एकदम शांत हो गया यार। ये भाई बड़ा चालू यार, ये तो यार बहुत होशियार यार है। तेरा पापा को, पापा वीडियो बना रहा है, अच्छा देखो कोई एक आध लड़की मिल जाएगी सेटिंग। देखो कैसे देख रहा हूँ, छोटी छोटी आंखें करके यार।
भैया दादा दादा ओ दादा ओ दादा दादा अभी थोड़ी देर के बाद मुझे भी निकलना है काम पर। मतलब दिन का ही हुआ है भारत। ओ भाई भाई सुजू कर दी इसने 1 मिनट, इसकी पुलतरी चेंज कर दूं मैं। मेरे ऊपर टॉयलेट कर दी इसने, मेरी पूरी टी शर्ट गीली कर दी। ओ माय गॉड मेरी टी शर्ट गीली कर दी रे भैया तूने, देख रहा है? और अब ऐसे गोर गोर से मेरे को घूर घूर के देख रहा है हो रहा है। तो अभी आप चलते हैं, मैं भी थोड़ा सा रेडी वेडी हो जाऊं। इसका तो क्या है, टॉयलेट सूजू पोटी लगी रहेगी इसकी, तो मैं जाके थोड़ा सा रेडी हो जाता हूँ। हाँ भाई चल भाई, तू अब थोड़ी सी मस्ती कर, मैं आता हूँ फटाक से। ठीक है ठीक है, तू कर ऐसी मस्ती, मैं आता हूँ फटाक से रेडी होकर, ठीक है ना? तो गाइस अभी मैं हो चुका हूँ रेडी यूनिफॉर्म पहन का। और बाबू की तो अभी चल रही है भयंकर वाली। माँ सो रहा है, बाबू सो गया, सो गया। ये अभी नानी इसके कान की सुई है, बच्चों की मालिश हो चुकी है पूरे हाथ पैरों की। अभी वो उसकी मालिश करते करते सो गया, वो आराम मिल गया उसको बहुत ज़्यादा। ये सर की मालिश हो रही है ताकि इसका खोपड़ा गोल हो जाए। कल भी जाना है 1-2 तारीख को। फिर हॉस्पिटल जाना है जी कल परसों। कल 1 तारीख के बाद चलेंगे। वो क्या है, 1 तारीख के बाद से क्या फिर मेरा भी वो वीकऑफ हो जाएगा ना, इसलिए सब देंगे वीकऑफ को। क्यों देंगे? सब देंगे, मेरे को लग रहा है छुट्टी के ही पैसे नहीं काटेंगे सर। क्यों? हो सकता है जहाँ तक है छुट्टी के पैसे नहीं काटेंगे। क्यों नहीं काटेंगे? तुम स्पेशल हो गया, काट लें तो अब ठीक है, नहीं काटें तो और भी अच्छी बात है। छुट्टी कर रही है तो काटेंगे नहीं क्या तुम्हारे? तो इमरजेंसी है ना, इमरजेंसी में की ना मैंने छुट्टी, जान बुझ के थोड़ी की है। तो चलो उठो तुम फटाक से, मैं भी जाऊं। इमरजेंसी में तो कटती है छुट्टी। भागो अब तुम यहाँ से। कहाँ जाऊं मैं? तो फ्रेंड्स बाबू सो गया है, उसकी मालिश हो गई थी, उसको नहला भी दिया था, तो बाबू सो रहा है। बहुत अच्छे से सो रहा है गाइस, बहुत परेशान कर रहा था, नहा रहा था, बहुत रोया बाबू। तो बस अब जाके फ्री हो गई मैं, अब नहाऊंगी मैं भी नहाऊंगी, फिर खाना खाऊंगी, गोटी भी खानी है गाइस। और बाकी थक गई नानी, नानी भी नहाने गई हुई है। और बाबू के सामने मैं ज़्यादा बात नहीं कर सकती हूँ तो वो उठ जाएगा। बाबू के पास बैठूंगी तो बड़ी मुश्किल से सोया है, अभी उसको दूध पिला के सुलाया है, बढ़िया सो रहा है, सोने दो भैया। बहुत परेशान करता है गाइस सीरियसली, बहुत बहुत ज़्यादा ही। अब बच्चे छोटे तो परेशान तो करेंगे ही करेंगे। उस बाबू के पापा भी चले गए हैं काम पर, और फिर बस अब क्या, बस मैं अब थोड़ा नहा लूँ, फ्रेश हो जाऊँ बढ़िया। गर्मी बहुत है गाइस, गर्मी आपको पता ही है, गर्मी बहुत ज़्यादा ही है। तो बाबू भी सो गया, बढ़िया काम वाम फ्री हो गई हूँ मैं। अब मैं भी नहा धो के खाना पीना खा के थोड़ा रेस्ट करूँगी। तो गाइस मेरा ब्लॉग कैसा लगा, वीडियो कैसा लगा, प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा और ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट कीजिएगा गाइस। तो बाय, टेक केयर।